जिस कान में आपके पानी गया हो वो कान टेढ़ा कर दीजिए, कान से पानी बाहर निकल जाएगा। किडनी स्टोन से दूर रहने के लिए नियमित रूप से तरबूजे का सेवन करें। पके हुए अनार का रस गुनगुना गर्म करके बच्चों को पिलाने से बच्चों की उल्टी में रियायत मिलती है। दांत में दर्द होने पर गुनगुने पानी में थोड़ी सी हींग मिलाकर कुल्ला करने से दर्द ठीक हो जाता है। सांस फूलने की समस्या में दही की कढ़ी जो थोड़ा सा देसी घी मिलाकर कुछ दिनों तक खाएं, इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। अगर खाना बनाते वक्त हाथ जल जाता है तो उस पर अंडे की सफेदी लगाओ, छाले नहीं पड़ेगी। आड़ू का सेवन करने से नजर तेज होता है। माथे पर केले के छिलके मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। नींबू पर चीनी डालकर खाने से चक्कर आना बंद हो जाता है। खाना खाने से पहले बड़े इलायची को चबाकर खा लें, इससे आपका खाना जल्दी हजम हो जाता है। गरम मक्खन का इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी जो है पिघलना शुरू हो जाती है। अगर दिल की धड़कन जो है अचानक तेज हो जाती है तो सुबह खाली पेट शहद और प्याज को मिक्स करके खा लिया करें। अगर आपको कोई भी मीठा चीज खाने का मन है तो उसके बाद गुड़ का सेवन जरूर करें, इससे आपको शुगर की समस्या नहीं होगी। अगर खाना बनाते वक्त आंखों में मिर्ची चली जाए तो जुबान पर थोड़ा सा नमक रख के इससे मिर्च का असर खत्म हो जाता है। छिलके समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर होती है। अगर मेरा ये